हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और एडीटेक में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हिंदी में देता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है टेक्न्यूज़ नंबर 32। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि कल से आपको लिनोवो का जो K6 पावर स्मार्टफोन है, ये आपको ओपन सेल में मिलेगा, जिसको बाय कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है लिनोवो की तरफ से। साथ ही इसमें फ्लिपकार्ट पे आपको एक्सचेंज ऑफर के थ्रू आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। साथ ही इसके जो एक्सेसरी है उस पर कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 10,000 रुपीज़ के रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है बाय करने के लिए। तो भी मैं आपको इसमें क्विक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है अच्छा खासा मिलता है। साथ ही इसमें 1.4 GHz पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 430। साथ ही इसमें 505 का GPU यानी एड्रेनो का 505 GPU मिल जाता है। इसमें 3 GB रैम, 32 GB इनर स्टोरेज मिलता है, जिसको हाइब्रिड सिम स्लॉट के थ्रू 128 GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। 4000 mAh की लॉन्ग बैटरी मिलती है, जिसको फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से फास्ट चार्ज किया जा सकता है। एंड्रॉयड 6.0 ये सभी फीचर्स मिलते हैं। तो 10,000 रुपीज़ के रेंज में अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं स्मार्टफोन में। अल्काटेल नाम की कंपनी है जो 8 दिसंबर को एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है अल्काटेल आइडियल 4। ये स्मार्टफोन है VR हेडसेट के साथ आएगा। साथ ही आपको बता दूं कि जो अल्काटेल की तरफ से पहला स्मार्टफोन है जो VR हेडसेट के साथ आएगा। साथ ही इसका जो प्राइस है अमेरिकन में पहले लॉन्च हुआ था उसको कन्वर्ट किया जाए तो 20,000 रुपीज़ तक हो सकता है। देखते हैं किस प्राइस रेंज में अल्काटेल इसे लॉन्च करती है। आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो इसमें 5.2 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही इसमें 1.2 GHz पे ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन का 617 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही इसमें एड्रेनो का 405 GPU मिल जाता है, 3 GB रैम, 32 GB इंडोर स्टोरेज मिल जाती है, जिसको मेमोरी कार्ड से 512 GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। साथ ही इसमें 13+5 का कैमरा मिलता है, जो रेयर कैमरा है वो 13 MP का है। साथ ही इसमें ड्यूल LED फ्लैश मिलती है। फ्रंट में 5 MP का कैमरा मिलता है, जिसमें भी एक फ्लैश मिल जाती है। 2610 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही आपको क्विक चार्ज 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो देखते हैं किस प्राइस रेंज में अल्काटेल इसे लॉन्च करती है। अगले न्यूज बता दूं तो लिनोवो का जो फैब 2 है उसको 6 दिसंबर यानी कल के दिन लिनोवो लॉन्च करेगा, जिसके लिए उसने मीडिया में इनवाइट भेज दिया है और ये इवेंट जो है वो दिल्ली में रखा गया है। आपको बता दूं कि लास्ट मंथ में लिनोवो ने फैब 2 प्लस को लॉन्च कर दी थी। तो अभी ये स्मार्टफोन फैब 2 को भी इंडिया में लॉन्च कर रही है। इसका जो प्राइस है वो 14,000 रुपीज़ तक हो सकता है। अगर आपको इसमें स्पेसिफिकेशन बताओ तो इसमें 6.4 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है। साथ ही इसमें क्वाड कोर मीडियाटेक का MT8735 प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही इसमें 3 GB रैम, 32 GB इंडोर स्टोरेज आ सकता है, 13 MP और 5 MP का कैमरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4050 mAh की बैटरी हो सकती है। तो देखते हैं इस फैबलेट को लिनोवो क्या प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं, क्योंकि इसमें HD डिस्प्ले मिलती है। जो फैब 2 प्लस है उसमें फुल HD डिस्प्ले मिल रही थी। तो देखते हैं क्या प्राइस रखती है लिनोवो। अगली न्यूज़ बताओ तो जो LG का V20 स्मार्टफोन है वो आज के दिन लॉन्च होगा, जिसका प्राइस जो है वो फिक्स पता नहीं कितना हो सकता है, लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। बट इसका प्राइस बताया जा रहा है 50,000 रुपीज़ के ऊपर ही हो सकता है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही रखती है LG। तो देखते हैं किस प्राइस रेंज में लॉन्च करती है। मोटो G5 और मोटो G5 प्लस स्मार्टफोन की कुछ इमेज और स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। इमेज जो है आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा, जहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये जो लीक इमेज है। साथ ही इसके स्पेसिफिकेशन बताओ तो सिर्फ कैमरा को छोड़ के बाकी स्पेसिफिकेशन सेम हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले हो सकती है। साथ ही इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर हो सकता है, 3 GB रैम हो सकती है और 32 GB 16 GB वाला इंटरनल स्टोरेज हो सकता है। साथ ही इसमें जो कैमरा है मोटो G5 प्लस में आपको 16 MP का रेयर कैमरा मिल सकता है, और जो मोटो G5 है उसमें 13 MP का रेयर कैमरा हो सकता है। दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट में का 5 MP का हो सकता है। तो देखते हैं, वैसे भी ऐसे काफ़ी लीक न्यूज़ तो आते ही रहेंगे दिन ब दिन। ये न्यूज़ बताओ तो व्हाट्सएप में 2 नए फीचर्स अपडेट किए गए, जिसको अगर आप अपडेट कर लेते हो तो जो वीडियो है उसको डाउनलोड से पहले स्ट्रीमिंग कर सकते हो। साथ ही जो GIF एनिमेटेड वीडियो है उसको आप सेंड कर सकते हो। ये सबसे पहले जो एंड्रॉयड के बीटा वर्जन में सपोर्ट कर रहा था, बट अभी क्या किया गया है, इसको सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अपडेट कर दिया गया है। अगर आपको
प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हो कि आपको अपडेट आया कि नहीं, नहीं तो फिर थोड़े दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा, तो अपडेट करके आप इस फीचर्स का लाभ उठा सकते हो। ये और लास्ट न्यूज़ बताओ तो सैमसंग का जो गैलेक्सी A5 है 2016 वाला मॉडल, उसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है, जिसको अगर आप अपडेट कर लेते हो तो इसमें सिक्योरिटी बग्स और जो पैचेस सिक्योरिटी पैच है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। ये अपडेट है बट यूरोप और अफ्रीका में आया, बाकी सभी कंट्री में भी जल्दी मिलेगा। जो अपडेट है वो 128 MB का है। तो ये स्मार्टफोन है यानी जो सैमसंग गैलेक्सी A5, जिसके पास ये स्मार्टफोन है वो चेक कर सकता है उसे अपडेट मिला है कि नहीं, तो वो अपडेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का टेक न्यूज़ अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो हिंदी में मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह बाय।